हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑफ यू हु हैज जॉइन्ड अस लाइव राइट नाउ। आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से लिंकिंग लॉस की इस लाइव स्ट्रीम में। और आज की इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया जा रहा है। यस, एक काउंटडाउन हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 3rd of January। आज 3 जनवरी से लेकर के आगामी आने वाले 9 जनवरी को, 9th of January इवनिंग 7 PM वी आर ब्रिंगिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू एट 7 PM लाइव इन द इवनिंग। और 7 बजे हम सब लोग आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए मोर देन 15 to 18 स्टेट्स जहां पे जुडिशरी के एग्जामिनेशन के अंदर जीके और करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फाइनल सिलेक्शन के अंदर ये डिसाइडिंग फैक्टर भी है। और एक क्लास यहाँ पे आपके पास में लेके आ रहे हैं 2021 का पूरा करंट अफेयर जो है इस क्लास में खल्लास किया जाएगा। सो क्या बोलते हो आप लोग, आपका बेसिकली क्या व्यूज है इसके ऊपर जरूर बताना दोस्तों। और इस क्लास को चूकना नहीं है, सभी को यह क्लास जो है अच्छे से फॉलो करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना कहीं ना कहीं जुडिशरी की तैयारी है वह अधूरी रहने वाली है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, आज की इस क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। एंड जैसा कि कल आफ्टरनून में और इवनिंग में आप लोगों ने नोटिफिकेशंस देख ही लिए होंगे कि आज हमारे पास में 3 सेशन है, एक नहीं दो नहीं 3 सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला सेशन जो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसमें हम जीके जीएस करंट अफेयर्स चल ही रहे हैं, वह कंटिन्यू करने वाले। इसके बाद में 3 बजे हम वापस मिलेंगे अनअकैडमी ऐप पे, फिर वापस हम शाम को 5 बजे मिलेंगे अनअकैडमी ऐप पे, और इसी के थ्रू हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट काम हैं वह हमारे सीखते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया था यूपी के बारे में बताने वाला हूँ, एंड वी ऑल विल बी कवरिंग दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स of the preparation on the same, right? So I hope that I have the concurrence of the same and liberty for the same to move ahead in the class. A brief introduction about myself: I am Jagdish Chandra Jangir. I'm a plus verified educator at an academy, and I'll make sure कि आप GK GS को बहुत ही simple और सहज भाषा में सुंदरता के साथ में उसको सीखें, ताकि आने वाले exams में without rotification आपको exam में सहज तरीके से वह portion help कर पाए, कहीं ना कहीं आपके जो examinations का threshold जो है cut off है उसको crack करने के लिए। Very good afternoon, very good afternoon। देखिए 5 बजे वाली आज की जो class है वह plus में नहीं हो रही है। 5 बजे वाली आज की जो class है दोनों की दोनों special class है। 3 बजे और 5 बजे दोनों स्पेशल क्लास है और दोनों ही आपको अटेंड करनी है, ठीक है दोस्तों? तो सभी को ये मैसेज जा चुका है, सभी लोग क्लास अटेंड करने वाले हैं। चलिए, यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री के कुछ सेगमेंट्स करवाए थे, और हिस्ट्री के कुछ सेगमेंट में से जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आई है उसको आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? देखिए, हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने को कहां से मिला? आप सभी को पता होना चाहिए कि कहीं के ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में हमारे जो पंजाब प्रोविंस के अंदर बेसिकली यहां पे जो खुदाई होती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वहां से हमको मिलते हैं टेराकोटा के, जो टेराकोटा के जो फिगराइंस है, जो फायर बेग्ड अर्थन क्ले मटेरियल मिलता है हमको वहां से, ठीक है ना? वहां से कई सील्स मिलती हैं हमको, ठीक है ना? और कई सारे प्लांट्स मिलते हैं, कई लेड्स मिलते हैं आपके पास में, ठीक है ना? तो यह सारी की सारी चीजें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताती, जो मुहरे मिलती हैं वहां से, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है, जो पुरातत्व की खुदाई के थ्रू सारे के सारे जो भी हमको आपके पास में इंपॉर्टेंट फिगराइंस मिले हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं, कई सील्स मिली हैं, कई टेराकोटास मिले हैं, दीज ऑल आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, दीज आर्टिफैक्ट्स आर बेसिकली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर द सेम। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू हु हैज जॉइंड अस लाइव राइट नाउ। आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस लाइव क्लास के अंदर। चलिए, किस स्थल को महास्नानगर के रूप में वहां पे भी प्राप्त किया गया, तो फ्रॉम विच हड़प्पन साइट द ग्रेट पार्ट वॉज फाउंड? देखिए, आपको यहां पे पता होना चाहिए सिटेडल कॉम्प्लेक्स के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो वॉज अ प्लेस जहां से बेसिकली ये जो ग्रेट पार्ट है इसको एक्सकेवेट किया गया था, राइट? एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन और जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं उसी का ही पार्ट एंड पार्सल है। तो ग्रेट बात के बारे में पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो के बारे में पता होना चाहिए, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स में एक महान माना जाता है, ठीक है? चलिए, तो यहां पे एक स्पेसिफिक लोकेशन आपके पास में बनवाली, क्या नाम है? बनवाली। इस लोकेशन के ऊपर बेसिकली मोहनजोदड़ो के पास में क्या मिलता है आपको? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? द माउंट्स ऑफ द डेड, द माउंट्स ऑफ द डेड, ठीक है? तो बनवाली याद रख सकते हैं। अच्छा सर, इसके बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है, फिर कहीं कहीं करंट में भी पूछा गया कि सर जो तारपीन का तेल है वो किससे प्राप्त होता है? आपने कहीं कहीं सुना होगा ताड़ का पेड़, है ना, जिसको हम टर्पेंटाइन भी फ्लूइड भी कहते हैं ना। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द रेजिन हार्वेस्टेड फ्रॉम द ट्रीज, है ना। जनरली जो पाइन का, जिसको हम देवदार भी कहते हैं, क्या कहते हैं? देवदार।
तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली जो है सॉल्वेंट की तरह यूज में लिया जाता है ना, कई बार जो आपके पास में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वगैरह में यूज में लिया जाता है, एक तरीके का केमिकल टाइप होता है, जो कुछ इस तरीके से, जो पैड से, देवदार के पैड से बेसिकली इस तरीके से हम जो है ब्लेड से कट लगा करके जो रेजिन निकलता है, उस रेजिन को यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है, और इसी हार्वेस्ट को बेसिकली आगे तारपिन के अंदर जो है वर्क किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे याद रख सकते हैं पाइन ट्री के बारे में, सो टर्पेंटाइन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेम, ठीक है ना, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेम। आगे बढ़ते, सो तारपीन आपको पता होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द कॉनिफेरस काइंड ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर ये जो है देवदार का जो भी रहेगा पेड़ वो पाया जाएगा। अब ज्योग्राफी के अंदर सर कहीं कहीं आपने माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में सुना होगा, यहाँ पे वॉसगिज के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द वॉसगिज, और उनके एग्जाम्पल दीजिए। तो जब भी रिफ्ट वैली यहाँ पे पैदा होती है ना मनिक जी, यहां पे जब भी रिफ्ट वैली पैदा होती है, रिफ्ट कब पैदा होती है, दरार कब पैदा होती है, जब भी दो आ, 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 प्लेट्स के बीच में बेसिकली क्या होता है, डाइवर्जेंस होती है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, तो उसके बीच में दरार पैदा होती है, रिफ्ट वैली पैदा होती है, उसी को कहीं कहीं वॉर्जेस कहा जाता है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ना, तो इसको याद रख सकते हैं आपके पास। फिर एक राइन वैली जो आपके पास में मिलेगी, ये सारे के सारे वॉसजेस माउंटेन है ना यूरोप के अंदर, ये उसी के ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं इनको भी बेसिकली फॉल्ट माउंटेन्स भी कहा जाता है। फॉल्ट का क्या मतलब हुआ, सपोज आपके पास में देर इज समथिंग, अगर मैं इसको यूं क्रैक कर देता हूँ, इफ आई क्रैक इट, बेसिकली इसके बीच में क्या एक क्रैक डेवलप हो जाएगा, उसको मैं कहता हूँ फॉल्ट। बेसिकली दिस इज अ, समझ के चलिए कि ये एक अर्थ की प्लेट है, दिस इज द टेक्टोनिक प्लेट, अगर मैं इसको इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ अगर मैं खींचता चलूंगा, बीच में क्या एक फॉल्ट, एक क्रैक पैदा होगा, यस सर, है ना। तो ब्लॉक माउंटेन्स को कहीं कहीं फॉल्ट माउंटेन्स भी कहा जाता है, राइट। यहां पे फॉल्टिंग जो होती है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के कारण हो रखा है, इसको याद रख सकते हैं। तो ग्रेट अमेरिकन रिफ्ट, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहां पे मैप साथ में होना जरूरी है। मेरे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं दो पॉइंट्स, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है मैप साथ में लेके पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट जो आपको रखना है मैप के साथ साथ में, जो पॉइंट आपको साथ में लेकर के चलना है वो है नोटबुक। तो दो चीजों को आप साथ में लेकर के चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको यहां पर फ्रेम आउट करते हुए अपनी प्रॉपर डायरी मेंटेन करते हुए चलना जरूरी है। तो ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में हमने यहां पर समझा सर। ब्लॉक माउंटेन का एक और एग्जाम्पल जो है आप यहां पर एल्बर्टा के अंदर है, सॉबैक रेंज के अंदर है ना, तो सॉबैक रेंजेस हैं, कई एग्जांपल्स दिए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, तो वह याद रख सकते हैं, दे आर द एग्जांपल व्हिच आर सपोज्ड टू रिमेंबर, राइट। सो ये होती है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स है क्या सर, माउंटेन नहीं है, बट ये बेसिकली पहले क्या था, एक समतल था, एक तरीके से पूरा प्लेन था, पर बीच का भाग जो है वो नीचे धस जाता है, इसकी वैली जो है वो नीचे धस जाती है। ऐसा नहीं है कि ये वाला हिस्सा जो है, ये माउंटेन, ये पहाड़ी जो है वह ऊपर की ओर राइज हुई है, नो सर, यह पूरा का पूरा प्लेन था और इसके बीच वाला हिस्सा जो है वह नीचे धस चुका है, बिकॉज इस वाली पहाड़ी और इस वाली पहाड़ी के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ है, तो बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला गया। तो इसको समझ में आया अब आपको, यह पॉइंट भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। सो 3 और 5 PM वाली क्लास आज ही होगी, यस आज ही होगी, ठीक है ना। 3 बजे वाली क्लास और 5 बजे वाली क्लास आज अनअकैडमी एप्लीकेशन पे होगी, और ये दोनों क्लासेस आपको अटेंड करनी है। चलिए, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट, है ना। हमने देखा है कि यहाँ पे भारत के अंदर न्यायिक समीक्षा है, बिल्कुल है, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कोई भी एक्शन को, कोई भी इनैक्टमेंट को, कोई भी लॉ को यहाँ पे क्या कर सकती है, उनकी न्यायिक समीक्षा देख सकती है कि क्या यह न्याय सम्मत है, क्या यह संविधान सम्मत है, क्या यह रूल सम्मत है या नहीं है। तो उसके अंदर आपको यह बताना है कि जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का वो हमने कहाँ से लिया। देखिए, जुडिशियल रिव्यू अपने आप में एक जुडिशियल सुपरमेसी का प्रतीक होता है, इट इज अ सिंबल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी, कि सर जो प्रधान है, जो सबसे संपूर्ण है, जो सबसे सर्वशक्तिमान है स्टेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर नहीं है, कहीं एग्जीक्यूटिव नहीं है, परंतु हमारी जुडिशरी है, क्योंकि जुडिशरी के पास में ताकत है, वो दूसरों के डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट मिस्टर मनिक, दिस क्लास इज अ 3 class series, दिस क्लास इज अ 3 class series, 1 class 1 PM, 2nd is 3 PM एंड 3rd is 5 PM, यह तीनों क्लासेस इंटरलिंकेजेस हैं, और इसमें यूपी का भी रहेगा और जनरल जो हमारा चल रहा है, फैक्ट कॉन्सेप्ट हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, वो सारा कुछ रहेगा, साथ में करंट अफेयर भी रहेगा। तो यूट्यूब पे के बाद में आपके पास में इसी क्लास का जो है नेक्स्ट पार्ट होने वाला है 3 बजे, तो वह भी आप सभी को अटेंड करना है, वहां पे अटेंड करना रहेगा। तो सर जुडिशियल सुपरमेसी के ऊपर आ जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर आ जाते हैं, तो वो अमेरिकन संविधान जो है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव से भी ऊपर किसको रखता है, जुडिशरी को रखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया, भारत के संविधान में इसको कहां रखा गया, फंडामेंटल राइट्स के अंदर,
अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 है ना, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर इसको रखा गया है। यहां पे क्या कहता है कि पार्लियामेंट अगर अब्रिज करती हैं ब्रेक करती हैं, वायलेट करती हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ऐसा कोई भी पार्लियामेंट का इनेक्टमेंट, ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा एब इनिशियो, है ना, फ्रॉम ऑरिजिन इटसेल्फ। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। सर ये सिर्फ आज का स्केड्यूल है या डेली का? ये डेली का रहने वाला है दोस्त, ठीक है, यह डेली का स्केड्यूल है, यह याद रख लेंगे। सो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, स्पेसिफिकली 13 क्लॉज 2, राइट। तो यहां पे न्यायिक समीक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए, अमेरिका के संविधान से ली है ये पता होना चाहिए, और ये कहीं कहीं अमेरिकन संविधान बेसिकली क्या है, अमेरिकन संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता का प्रिंसिपल है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। कोई मुझे यहां बताना चाहेगा, मिस्टर रवि, उपासना, स्वलिया एंड मनिक, एनी ऑफ यू प्लीज डू लेट मी नो कि यहां पे जैसे अमेरिका में यूएसए में जुडिशियरी सुप्रीम है, ब्रिटेन में कौन सुप्रीम है? ब्रिटेन में आपके पास में सुप्रीम है पार्लियामेंट वहां की, जिसको मैं कहूंगा लेजिस्लेचर। ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, मींस यहां पे सेंचुरी ओल्ड जो कानून है वह भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और आज का 2021 में अगर कोई कानून बनेगा दैट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मींस पार्लियामेंट डे टू डे बेसिस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग में हिस्सा रखती है, और वहां के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी इनेक्टमेंट या लॉ जो है उसके ऊपर जुडिशरी कुछ नहीं बोल सकती है, जुडिशियल रिव्यू वहां नहीं है, यह याद रख सकते हैं, राइट। तो ब्रिटेन में क्या है, लिख दो, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, वहां की पार्लियामेंट है वह सुप्रीम है, जबकि इंडिया में क्या है सर, क्या इंडिया में जुडिशियल सुपरमेसी है अमेरिका की तरफ? नो सर। क्या यहां पे आपके पास में ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है? नो सर। तो क्या हमारे यहां पे गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी है? नो सर। हमारे यहां पे बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, संविधान सर्वोच्च है ना, संविधान सर्वोच्च है, और सॉवरेंटी किसकी है? सॉवरेंटी बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। हु इज सॉवरेन? द पीपल ऑफ इंडिया आर सॉवरेन, द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल पढ़ा होगा आपने। तो यहां पे दो प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, स्वरा जी, स्वलिहा जी, अक्षय जी, आप सभी को, कि ब्रिटेन की बात आ जाए पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, अमेरिका की बात आ जाए जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंडिया की बात आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इसी से आपको एक और प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहां पे आपने 12th की किताब कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको पढ़ा होगा, या फिर इसको कहीं ना कहीं आपने एलएलबी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, जिसको हम लोग यहां पे कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस भी पढ़ते हैं, जिसमें हम अलग अलग संविधानों को कंपेयर करते हैं और यह देखते हैं कि किस मापदंड पे संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में कहां पे उतारा जा रहा है, कहां की सिविल सोसाइटी जो है कितना स्ट्रांग है, और कहां पे सिविल सोसाइटी या फिर उसको मैं कह सकता हूं बेसिकली जो जनमत है वह बहुत ही वीक है। जैसे देखा जाए सिविल सोसाइटी जो है यूएस और यूके की बहुत ही स्ट्रांग है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो होता है, इंडिया उससे थोड़ा सा लेसर है, मतलब संविधान में काफी सारी चीजें लिखी तो गई हैं, पर धरातल पे जब हम उसका बेसिकली निष्कर्ष देखते हैं तो वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं देखा जाता, ठीक है ना। और संविधानवाद को भी अच्छे से पढ़िएगा, संविधानवाद पे पूछा जा सकता है प्रश्न। तो रोशन जी, मुनि खान जी और ट्रिक्स एंड फंडा, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आ जाती है, जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर चले गए तो पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज, कई बार पूछा गया है यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगी लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड, क्योंकि संविधान बेसिकली क्या करता है, सरकार का रूप बताता है, स्वरूप बताता है, उसकी शक्तियों की विवेचना करता है, उसकी शक्तियों के ऊपर जो लिमिटेशंस है वह भी डालता है, तो कुल मिलाकर के शक्तियां भी वही देगा, शक्तियों पर अंकुश भी वही लगाएगा, और शक्तियों का प्रयोग करने का क्षेत्र अधिकार भी वही बताने वाला है। तो यहां पर याद रखना, वह सरकार जो संविधान के रूप चलती है वह हमेशा लिमिटेड दायरे में काम करेगी, इसी कारण उसको बाउंडेड गवर्नमेंट भी कहा जाएगा, उसी कारण उसको लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहा जाएगा, उसी कारण उसको बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी कहेंगे, और उसी को ही कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है आपके पास में, अंकुश में जो सरकार रहती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो अगर कहा जाए कि विच अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो यह मत लिख लेना कि सर जो वोट जीत करके आ गई है सरकार, वोट जीत के आ गई है, पर कई सरकारों ने यहां संविधान को पलट के रख दिया है, वोट जीत के आई
नहीं, इलेक्शन जीत के आई है, पर यहां पे संविधान को ही पलट के रख दिया उसके पश्चात, तो क्या वो संवैधानिक हुई? नहीं। संविधानवाद तभी सक्सेसफुल है दोस्तों जब जो संविधान किताबों में लिखा है उसको लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई भी किया जा सके। ठीक है मनीष जी, सॉरी सो आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इसका नोट्स करते चले, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा। देखिए भाई, जो भी विद्यार्थी इस क्लास में शुरुआत से जुड़े हैं, आप सभी को मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और वो रिक्वेस्ट कुछ इस प्रकार से मेरे भाइयों कि जब भी हम पढ़ने की कोशिश करें तो प्लीज मैं आपको बताता हूं कि एक छोटी मोटी ऐसे नोटबुक वगैरह साथ में लेके बैठो, है ना, एक नोटबुक साथ में लेके बैठो, एक पेन साथ में लेके बैठो, एक आपको मैंने कहा है इंडेक्स साथ में लेके बैठो, ठीक है ना। और जैसे जैसे जो पॉइंट चल रहे, जैसे जुडिशियल रिव्यू यूएसए 30 आर्टिकल 13 क्लॉज 2, है ना, लिख सकते हो ब्रैकेट में, यूएसए के ब्रैकेट में लिख सकते हो जुडिशियल सुप्रीमेसी। इंडिया के लिए क्या लिख सकते हो यहां पे, इंडिया के लिए यही जब पॉइंट आ जाएगा तो आप लिख लोगे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। यहां से सर ने आगे बढ़े, सर गए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, फिर सर ने बताया लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होता है, फिर सर ने यह भी बताया कि ब्रिटेन में क्या चलता है, है ना। तो कुल मिलाकर के यह बुलेट पॉइंट्स हैं, जीके इज नथिंग बट द डिफरेंट पॉइंट्स विच वी विल एसिमिलेट एक प्रॉपर स्टोरी में, 360 डिग्री एनालिसिस में आएगा, तो उसको लिखते जाओगे। आप मेरी कक्षा में नए स्टूडेंट लगते हैं इसीलिए शायद आपको पता नहीं इसको फॉलो कैसे करना है, मैं हर क्लास में बताता हूं, पर हर क्लास में तो नहीं बता सकते नोट्स कैसे बनाने, इसीलिए हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, प्लीज इस सेशन को कम से कम ये मान के चलो कि आप अगर यहाँ पे 1 बजे की या 3 बजे की या 5 बजे की पूरी क्लास के जो तीनों भाग है, अगर इन तीनों भाग को अटेंड कर रहे हो तो पीडीएफ तो आपको मिल रही है। पीडीएफ कहाँ मिल रही है, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मिलेगी, जीके विद जेजे सर टेलीग्राम ग्रुप है, जीके विद जेजे सर वहां पे मिल जाएगी, सो वहां पे फॉलो कर लो, उसमें भी क्या समस्या आ रही है आपको, उसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मनीष भाई आपसे सुनना चाहेंगे वापस, सभी की समस्या सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, क्योंकि क्लास शुड बी ऑल इंक्लूसिव, यह क्लास डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, है ना। हाँ चलो सर, सर सब मिक्स नहीं हो जाएगा सब कुछ, देखिए भाई जीके के अंदर तो मिक्स ही आएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब मिक्स आएगा। यूट्यूब के ऊपर जो क्लास चल रही है यहाँ पे ये फैक्ट्स कॉन्सेप्ट जीके और करंट अफेयर तीनों सेक्शन है, आप यहाँ पे 2-3 दिन क्लास लेंगे तो आपको इस क्लास का पैटर्न पता चल जाएगा। इस क्लास में यूट्यूब क्लास के इटसेल्फ जो है यहाँ पे 3 सेगमेंट है, पहले सेगमेंट में हम फैक्ट्स ले रहे हैं, दूसरे सेगमेंट में फैक्ट्स भी जो हैं कहीं पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी हिस्ट्री सारे फैक्ट्स आएंगे, जैसे पहले हिस्ट्री पढ़ा फिर ज्योग्राफी लिया, अभी हम लोग आ गए हैं पॉलिटी पे, अभी इकोनॉमी के भी फैक्ट आएंगे, फिर साइंस के भी फैक्ट आएंगे, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो फैक्ट धीरे धीरे समझने, एक साथ में तुमको 50 फैक्ट यहां पढ़ाऊंगा ना परेशान हो जाओगे, है ना, परेशान हो जाओगे, उसमें हो सकता है बेसिकली एक साल आ जाओ चलो सर एक क्लास के अंदर बेसिकली सारे फैक्ट समझा दिए, नहीं हो सकता। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग कैसे काम कर सकता है, स्लो एंड स्टडी एंड कंसिस्टेंसी, है ना, लेयर दर लेयर, है ना, परत दर परत जो है, बूंद दर बूंद जो है घड़ा भरता है। एक साथ में सब पढ़ लोगे उल्टी नहीं हो जाएगी, है ना, नाश्ता लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब एक साथ ही करके बैठ जाओ, 4 दिन की चाय कॉफी दूध सब एक साथ पी के बैठ जाओ और 4 दिन भूखे रहो, फिर यह नहीं चलता। इसीलिए बूंद दर बूंद यूट्यूब क्लास का मकसद ही यही है कि बच्चों का इंटरेस्ट जब जगने लगेगा ना, उसकी तरफ, हाँ अब स्वतः ही वो पढ़ने लगेगा। अच्छा, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है, आपकी स्पेशल क्लास है, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक आगे और पढ़ना है एग्जाम के दृष्टिकोण से और प्रो वर्जन में आपको पढ़ना है, प्लस क्लासेस है, आइकॉनिक क्लासेस है, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, कोई भी कॉन्सेप्ट, देखिए जीके की ब्यूटी क्या है पता है, आर्टिकल 13 बात यही है, इतनी ही बात है, जुडिशियल रिव्यू कहां से आया इतनी ही बात है, इससे रिलेटेड जो 4 पॉइंट है मैंने यही समझा दिया। अब ये नहीं है कि सर आर्टिकल 13 कुछ आज पढ़ाया, कुछ कल पढ़ाया, कुछ नर्सों पढ़ाया, सर तीनों क्लासेस एक क्लास चुका तो मेरा तो टाइम खराब हुआ ना, ऐसी बात नहीं है। ब्यूटी है जीके की कि सर ये इतना ही है, एक कॉन्सेप्ट 1-2 मिनट में खत्म होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है हमको, तो एक बार सब लोग यहाँ पे एक बार थम्स अप दे दीजिए कि सर हाँ ये समझ में आ गया हमको, है ना। जो आप 60-70 स्टूडेंट्स अभी लाइव हो, सब लोग एक बार मेरे को थम्स अप करके लिख दीजिए कि यस सर वी आर क्लियर ऑन दैट, और ये चीज़ समझ में आ चुकी है हमको, नोट्स बनाने हैं और क्लास का पैटर्न हमको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है। चलिए, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम वेयर। देखिए आर्टिकल के संविधान के अंदर यहाँ पे अनुसूचियाँ हैं, है ना,
ओरिजिनल 8 थी, उसके बाद में 12 हो जाती। जो जो स्केड्यूल्स हैं दोस्तों, उन स्केड्यूल्स के अंदर बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं 7th स्केड्यूल देखने को मिलता है। 7th स्केड्यूल के अंदर जो विषय है उनको 3 लिस्ट के अंदर ब्रेक किया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उसके पश्चात भी कुछ चीजें छूट जाती हैं, उनको हम रेजिडरी सब्जेक्ट्स के रूप में जानते हैं जो कि केंद्र सरकार देखता है। केंद्र लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट के ऊपर जो है केंद्र सरकार मतलब यूनियन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बनाती है, कानून बनाती है, स्टेट के ऊपर स्टेट बनाती है। जबकि जो कंकरेंट में आता है जिसको हम हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं, तो इस समवर्ती सूची का बेसिकली क्या रहता है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही इसके ऊपर मतलब यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकेंगे। परंतु यह याद रखना है समवर्ती सूची के ऊपर अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, यूनियन पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, तो उसके पश्चात उसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, ना कि राज्य के कानून को। तो प्रायोरिटी मेरिट जो है वो केंद्र को दी जाती है। सर ये व्यवस्था तो समझ में आई, अब मेरे को ये बताइए कि ये आइडिया हमने लिया कहां से? ये आइडिया हमने लिया जैसे सलोनी जी ने बताया, जैसे मनोरमा जी ने बताया, जैसे कि मुनि जी ने बताया यहां पे, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से है ना, कंगारूज द ऑस्ट्रेलिया है ना, पता होगा आपके पास में, इसको आइलैंड नेशन भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक आइलैंड है और अपने आप में एक पूरी कंट्री, इस कारण इसको क्या कहते हैं, आइलैंड नेशन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली क्या होती है आपके पास में, विंटर रेन्स होती है, यह पता होना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर जब क्रिसमस में सर्दी पड़ रही होती है ना, क्रिसमस में कड़ाके की सर्दी, अमेरिका, यूरोप, यूके है ना, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस वक्त क्या होगी, गर्मी। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, दो फैक्ट लिख लो इसके बारे में, इसको आइलैंड नेशन कहा जाता है। दूसरा, इस के अंदर बेसिकली क्या पाई जाएगी आपके पास में, क्रिसमस के टाइम यहां पे क्या है, आपकी गर्मियां हैं, समर्स है, और यहां पे क्रिसमस रेन्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। हमारे यहां पे बेसिकली जो बारिश है वो मई, जून, जुलाई में होती है, और इनके यहां बारिश जो है यह दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होती है। क्या यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समवर्ती सूची क्लियर हुआ है ना? आर वी क्लियर ऑन दैट? और अच्छा, इसी के साथ में एक और पॉइंट पढ़ लो मेरे भाई कि सर कंकरेंट लिस्ट तो हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया कि कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के ही लेजिस्लेचर कानून बना पाएंगे। अच्छा, रेजिडरी सब्जेक्ट्स नाम का एक और अलग से विषयों की सूची होती है, जो संविधान बनते वक्त बेसिकली ये चीज सोचा गया था कि सर हो सकता है भविष्य में ऐसे कुछ कंटिंजेंट विषय आ जाए जो आज हमारे नॉलेज में नहीं है, पर भविष्य में अगर हमारे नॉलेज में आते हैं तो उसके ऊपर हम कानून कैसे बनाने वाले, हाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम द लॉ ऑन दिस। तो यहां पे आपके पास में वह कानून कौन बनाने वाला है, वह कानून केंद्र सरकार बनाने वाली है। मींस जो रेजिडरी है, रेजिडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर, इवॉल्विंग सब्जेक्ट जैसे कि ई कॉमर्स, जैसे कि साइबर स्पेस, जैसे कि स्पेस, जैसे कि आपके पास में और क्या चीज आ सकती है, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना, और भी काफी सारी चीज आ सकती है, जैसे कि अभी आपके पास में बायो वेपन्स नाम की कुछ और नई सी चीज आ रही है ना, जैसे कि ये कोविड है, जैसे कि और काफी सारी चीजें हो सकती है, जो कि उस वक्त 1947 में संविधान सभा के समक्ष विचय नहीं थे। तो उस वक्त वह तो हमने क्या छोड़ दिया फिर कि सर अगर ऐसा कोई कंटिंजेंट विषय आ गया, सोचो कल की तारीख में वेस्ट बंगाल के अंदर एक एलियन शिप उतरती है, अब उस एलियन शिप को बेसिकली कौन कस्टडी में लेगा, बीएसएफ लेगी, आर्मी लेगी, वेस्ट बंगाल पुलिस लेगी। अब वहां पे बेसिकली बात करने के लिए जाना है एलियन से, किसी को मैसेज पहुंचाना है, तो उनसे बात करने कौन जाएगा, यहाँ पे भारत के केंद्र सरकार की तरफ से कोई बंदा जाएगा, या फिर वहां से ममता दीदी जो है वो पूरा का पूरा अपना रसगुल्ला का पैकेट साथ में भेजने वाली है, उसको क्या करने क्या वाले, मतलब किसका क्षेत्र अधिकार होगा वहां पे कानून बनाने के लिए। तो याद रखना रेजिडरी सब्जेक्ट हमेशा केंद्र के विषय की बात रहती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म होने चाहिए ना, दे शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, यह याद रख सकते हैं, जिसको विशिष्ट शक्तियां भी कह सकते हैं। और यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, बहुत ही शानदार। तो कनाडा का संविधान है वो कहता है कि विशिष्ट शक्तियां जो है, रेजिडरी पावर जो है, वो सेंटर के साथ में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर, विद दिस बीइंग सेड, दिस पॉइंट इज क्लियर एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस मूव अहेड इन द क्लास। एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट गाइज। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है कंकरेंट लिस्ट है ना, और रेजिडरी सब्जेक्ट लिया है कनाडा से। फिर है हमारे पास में जवाहर रोजगार योजना, कई बार सुना होगा हम लोगों ने इसके बारे में, इस योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि इस जवाहर रोजगार योजना को हमने शुरू कब किया। देखिए सर, जवाहर रोजगार योजना के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के यहाँ पे 1989 से यह जवाहर रोजगार योजना को यहाँ पे
हर गरीब को काम मिले इसके लिए हमने यह योजना शुरू की थी। 1989 से इसको शुरू किया गया, यह याद रख सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्टेड विद द एक्सपेंड कवरेज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द विलेजेस एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द वेज सीकर क्लोज टू द विलेजेस। अपने गांव के आसपास ही यहां पे क्या कर सकते हैं, रोजगार के अवसर देने की कोशिश करेंगे। वो सभी लोग जो मजदूरी चाहते हैं उनको अपने गांव के करीब करीब ही जो है रोजगार दिया जाए। तो यह सर कब शुरू होता है, 1989 से। यह पॉइंट लिख सकते हैं अपन लोग, है ना, JRY के नाम से इसको जाना जाता था। अच्छा सर, एक और सुना होगा आपने, इंदिरा आवास योजना, है ना। यह योजना कब बनी थी कोई बताएगा, व्हेन डिड वी फॉर्म द इंदिरा आवास योजना। इस योजना में था क्या कि जो बेघर गरीब परिवार के लोग हैं उनको बेसिकली क्या है आपके लिए एक सार्वजनिक आवास योजना बनाई जाएगी। जो भूमिहीन गरीब हैं आपके पास में, है ना, उनको घर की जगह प्रदान की जाएगी। एक घटक के साथ ही जीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे रेनोवेशन वगैरह दिया जाएगा। वो 1996 से 1996 से बेसिकली हमने यहाँ पे इंदिरा आवास योजना शुरू की थी, इंदिरा आवास योजना शुरू की थी, ठीक है ना, यह याद रख सकते हैं, राइट। तो यहां पे जो रूरल हाउसिंग है, मतलब ग्रामीण एरिया के अंदर है, ये इंदिरा आवास योजना, इसको याद रख, राइट। अब एक डाउट है कि सर ये किस एग्जाम के लिए, जो भी यहां पे यूट्यूब के क्लासेस चल रही हैं, दे आर टारगेटिंग द एमपी, यूपी, बिहार, दे आर टारगेटिंग द उत्तराखंड, दे आर टारगेटिंग दिल्ली एज वेल, राइट। आप पास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस करके देंगे तो दिस क्वेश्चन समवेयर डाउन द लाइन हैज बीन इन द न्यूज, हैज बीन इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पास्ट ईयर पेपर एंड द ट्रेंड ऑफ द सिमिलैरिटी। आई होप दैट वी हैव द कंकरेंस ऑन द सेम। मूविंग फॉरवर्ड विद द सेम, When was Employment Assurance Scheme started? रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू की गई थी? When was this particularly was started? देखिए यहाँ पे Employment Assurance की अगर मैं बात करूं, जिसको रोजगार आश्वासन योजना का भी नाम दिया जा सकता है, तो यहाँ पे लगभग 1993 के अंदर इसको शुरू किया गया। जो भी बैकवर्ड ब्लॉक्स थे, जो भी आपके पास में जो पिछड़े ब्लॉक्स थे, है ना, उनके अंदर बेसिकली इसको क्रियान्वयन किया जाता है ना। द ब्लॉक्स वर ड्रॉट प्रॉन, जहाँ पे बेसिकली सूखा पड़ता हो, है ना, डेजर्ट एरिया हो, ट्राइबल एरिया हो, हिली एरिया हो, ऐसे एरिया में जो रोजगार दिया जाना शुरू किया, कम से कम जो है रोटी कपड़ा मकान जो है वह खुद का सही से जुगाड़ पाए लोग। सो एट प्रेजेंट जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाती है सिर्फ रूरल एरिया के अंदर जो जहाँ पे ड्रॉट, दूसरा एरिड, डेजर्ट, या फिर जनजाति जहां पे ज्यादा है, या फिर जो पहाड़ी एरिया ज्यादा है वहां पे ये सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं सर, ठीक है। तो यह पता होना चाहिए 1993 से हमने ये स्कीम इंप्लीमेंट करवा दी थी। फिर है सर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, लिखो इसको, साक्षी, सोनाली, ट्रिक्स, लीगल, स्लोक एंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज इसको लिखने की कोशिश करेंगे। यहां पे आप लिखेंगे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। सर हमको पता होना चाहिए 1978 के दौरान भारत सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था, और 78 में हमने बेसिकली कहीं ना कहीं जो है इसको शुरू तो किया, परंतु इनिशिएशन से लेकर के इंप्लीमेंटेशन के बीच में 2 साल का गैप रहता है। 78 के बाद में हम इसको 80 को लागू करते, ठीक है ना। तो इसमें उद्देश्य क्या है, देखिए रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, मनिक जी क्या करना है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, उसके साथ साथ कौशल जो है उसको भी प्रदान करना है। कौशल मतलब स्किल्स देना है, उसको स्किल्स देने का कोशिश करना है, ठीक है ना, ताकि उनका जो स्तर है, जीवन स्तर जो है, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड है, वह कहीं ना कहीं बेटर हो पाए। तो इसको याद रखेंगे, पूरे भारत के अंदर 1990 के अंदर ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया गया। सबसे पहले क्या है, बेसिकली रोजगार देंगे, स्किल देंगे, कम से कम उनके जो घर है वो थोड़ा सा बेहतर बन पाए, कृषि बेहतर कर पाए, साथ ही साथ वो एनवायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छा सा काम कर पाए, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, अलग अलग एरिया के अंदर यह काम किया जाने वाला है। देखिए मुख्य परीक्षा की जब बात होगी तब हम इसके अंदर भी बात करने वाले हैं, मेंस की जो भी पार्ट होने वाली है वो स्पेशल क्लास के साथ साथ में, और उसके साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको स्पेशल क्लासेस के इर्द गिर्द ही आपकी एक और क्लासेस होने वाली है जिसको हम प्लस क्लासेस कहेंगे। अगर आप प्लस स्टूडेंट है तो आपकी जो मेन्स की जो भी क्लासेस रहेगी दे विल बी ओवर देयर। सर वाई रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे या नहीं, व्हाट डू यू मीन रिकॉर्डेड लेक्चर? हाँ, आप कह रहे हैं कि अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड लेक्चर है तो है, और यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी हमारे जो पिछली लाइव स्ट्रीम्स हैं वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, यह याद रख सकते हैं। जीके विद जे जे सर ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पे, तो सारे के सारे उसको लिंक्स भी मिल जाएंगे, यू विल बी गेटिंग द लिंक्स ओवर देयर। आगे बढ़ते, तो ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स हमारे, हम फैक्ट्स से आगे बढ़ करके यहाँ पे बढ़ रहे हैं जुडिशरी एग्जाम से स्पेसिफिक क्या क्या करंट अफेयर्स है जो भी हाल ही में KSLV सेकंड, है ना,
एक नूरी रॉकेट है. इस इज द फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस स्पेस लॉन्च व्हीकल इन द इन विच कंट्री. किस देश का ये बेसिकली जो है स्पेस लॉन्च व्हीकल है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया गया है, है ना. यह किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, मतलब एक रॉकेट है, एक रॉकेट है, ठीक है ना. जैसे हमारा जीएसएलवी पीएसएलवी वगैरह है ना, उसी तरीके से ये रॉकेट है. तो यहां पे आपको पता होना चाहिए साउथ कोरिया के बारे में. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून. तो आपको यहां पे पता होना चाहिए दोस्तों साउथ कोरिया के बारे में. और जो हमारा साउथ कोरिया है इसने अभी हाल ही में KSLV-2 करके जो है एक नया आपके पास में रॉकेट बनाया. और ये टोटली इंडिजीनियसली फॉर्मड है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया गया है इसको, है ना. इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, नूरी रॉकेट, याद रखेंगे NURI रॉकेट, ठीक है ना. ये तीन स्टेज में चलने वाला है आपके पास में, 700 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है आपके पास में और 1.5 टन का पेलोड ले जा सकता है, ठीक है ना. यह याद रख सकते हैं, दैट्स इट. अभी इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया था, पर शुरू करने के साथ क्या हुआ कि ये जो नूरी रॉकेट सिस्टम इन्होंने बताया ना, पर ये रॉकेट सिस्टम हो जाता है सर फेल. श्लोक जी ये क्या हो गया, है ना, मनोरमा जी, साना जी, सलोनी जी, ये क्या हो गया, रोशन भाई, फेल हो जाता है. पर याद तो रख लेंगे इंडिजीनियसली सर, खुद से कोशिश की और जो भी चीज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में आती है वह जुडिशरी में पूछी जाती है, ठीक है ना. बुरी नहीं है, NURI नूरी है. चलो सर, यहां पे बात करते हैं विच कंट्री लॉन्च द बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन. किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान शुरू किया है. देखिए सर, हम यहां पे बात करना चाहते हैं अपनार पास में, उत्तराखंड नहीं है ये, ये है यूनाइटेड किंगडम, है ना. तो यूके की, यूके की अगर हम बात करें तो यहां पे बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन सुविधा यहां पे शुरू की गई है. चलिए सर, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि यूके की जो सरकार ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन. यहां पे क्या किया जाएगा, जो एडल्ट स्मोकर्स हैं, यंग पीपल हैं, उनको बताया जाएगा कि सर इंपैक्ट क्या हो सकता है स्मोकिंग का, क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है आपके लंग्स के ऊपर. जो भी स्मोकर्स हैं उनको स्मोकिंग क्विट करने के लिए बताया जाता है. डेटा के थ्रू बताया जाता है कि 4.9% जो टीनेजर्स हैं जिनके पेरेंट्स स्मोक करते हैं उनको भी जो है बेसिकली स्मोकिंग की आदत लग जाती है. न्यूजीलैंड हैज ऑल्सो सेट गोल्स टू गो स्मोक फ्री बाय द 2030. न्यूजीलैंड तो कह रहा है सर हम 2030 तक पूरा का पूरा स्मोकिंग को बंद करने वाले हैं, जो ये किवीज है ये बंद करने वाले हैं स्मोकिंग को, ठीक है ना. तो यूके ने अभी ये इनिशिएटिव शुरू किया है, आपको भी पता होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की बात करें, यह किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक. देखिए जब भी मैं वित्तीय स्थिरता की बात करूं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन चेक कर सकता है, नीति आयोग करेगा. नीति आयोग तो डेवलपमेंट के काम में भी लगा हुआ, हेल्थ में भी लगा हुआ, ये कहां फाइनेंस की बात करेगा. वर्ल्ड बैंक हमारे भारत का है नहीं, वर्ल्ड बैंक हमारे भारत का है नहीं, ठीक है ना. और एशियन डेवलपमेंट बैंक तो पूरे एशिया लेवल की बात करेगा, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करेगा. हम कहीं ना कहीं RBI की बात करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जा रही है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों यहां कहीं ना कहीं एक दायरे में आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेके आता है. और अभी हाल ही में जो है एक रिसेंट एडिशन जो है RBI ने इस रिपोर्ट का जारी किया. इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया जाता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है भारत के अंदर वह काफी इश्यूज आ रहे हैं, इसके अंदर डिफॉल्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और कंज्यूमर फाइनेंस पोर्टफोलियो है वो स्लो डाउन होता जा रहा है क्रेडिट सेगमेंट में. तो कहीं ना कहीं हमारी जो वित्तीय स्थिरता है वह अस्थिर होती जा रही है. फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यह रिव्यू करते हैं द क्रेडिट द फाइनेंसिस द मॉनिटरी पॉलिसीज एंड ऑल, ठीक है ना. चल यह याद रखेंगे, लेटेस्ट करंट का करा रहे हैं ना आप, ये लेटेस्ट करंट ही हैं, ये कल की न्यूज है या आज सुबह की न्यूज है ये मान के चलो, ठीक है. चलो ये याद रखेंगे सर. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात कर दूं मैं, IMF की बात करूं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में इसके द्वारा जारी की जाती है. अगर यहां पर मैं ग्लोबल की बात करता तो वह IMF जारी करता दोस्तों, याद रखेंगे. अंशु, मनिक, रोशन, सोनाली, सभी लोग जो भी विद्यार्थी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, अभी अक्टूबर 2021 में अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो कौन लेके आ रहा है आपके पास में, IMF लेकर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. जबकि अगर मैं आपके पास में नॉर्मल बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी नॉर्मल थिंग, जैसे कि आपके पास में खाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात की गई जो भारत के दृष्टिकोण से, अगर इसके आगे मैं ग्लोबल लिख देता तो IMF यहाँ पे जो कि ऑप्शन में ही नहीं है वो आंसर होता फिर. जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता, तो भारत के संदर्भ में वह RBI जारी करता है. कौन जारी करता है, डॉली सिंह स्वराजी, कौन जारी करेगा इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रिलीज करने वाला. दिस पॉइंट इज बिट क्लियर विद अस. अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के आगे क्या बात है हमारे पास, हम बात करते हैं आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में, है ना. नाम है इनका सबा अल खलीद अल शबा,
क्या नाम है, शबह अल खलीद अल शबह, ठीक है ना। तो अल खलीद अल शबह जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किए। देखिए ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है ये, इसका नाम जाना जाता है कुवैत के नाम से, ठीक है ना। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अभी रिसेंटली न्यूज में भी था। और शबह अल खलीद अल शबह जो है प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं कुवैत के, और यहाँ पे हाल ही नई कैबिनेट बनाते हैं। और ये याद रखते हैं आपके पास में, गल्फ कंट्री के अंदर जो है थर्ड कैबिनेट है इसी साल, तीसरी सरकार बनी है आपके पास में, ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस जो दो सरकारें थी उनमें स्टैंड ऑफ हुआ और सरकारें बार बार हट जाती। तो यहां पे द कैबिनेट हैज ओनली वन फीमेल मिनिस्टर, इंक्लूड द थ्री ऑपोजिशन एमपीज एंड वन प्रो गवर्नमेंट लॉ मेकर। लेट अस सी दैट, इनका नाम याद रख सकते हैं, कुवैत को याद रख सकते हैं, और मैप में इनका लोकेशन भी देख सकते हैं कंट्री का। आगे बढ़ते हैं, यहां पे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। ब्रिक्स BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। तो यहां पे पांच देशों का एक तरीके से क्या है, जिनका रीजनल अच्छी खासी इकोनॉमी और रीजनल इन्फ्लुएंस भी है ना, क्षेत्रीय इनका प्रभाव भी अच्छा है। तो उन एमर्जिंग इकोनॉमी का एक बेसिकली क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। अब इन्होंने मिलकर के एक न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाया है। अब ये कह रहे हैं कि इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक नया सदस्य जुड़ा है, कौन जुड़ा है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए इजिप्ट के बारे में। कौन जुड़ा है सर आपके पास में, रोशन जी, इजिप्ट यहां पे जुड़ा है। तो सर जो इजिप्ट है हमारा, वह इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर एक नया मेंबर बनता है। तो ब्रिक्स जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाता है, NDB याद रखेंगे। देखिए कई हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, वैसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, ठीक है। तो इजिप्ट जो है एक नया मेंबर बन के आता है आपके पास में, याद रखना। एशियन डेवलपमेंट सॉरी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यहां पे ब्रिक्स नेशन के द्वारा बनाया जाता है। और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है, बी ब्रिक्स में BRAZIL, बी जो है ब्रिक्स का ब्राजील, आर है रशिया, आई जो है इंडिया, सी जो है चाइना, और एस है साउथ अफ्रीका। 2015 में जो है यह बैंक बनता है, और 2009-10 के अंदर यह ब्रिक्स की स्थापना होती है, ठीक है ना। तो इजिप्ट जो है यहां पे चौथा नया मेंबर बनता है, इससे पहले भी कई और लोग जुड़ चुके हैं। कौन कौन जुड़ चुका है, बांग्लादेश भारत के आसपास का, UAE जुड़ चुका है, यूनाइटेड अरब अमीरात जुड़ चुका है, और एक उरुग्वे करके एक कंट्री है वह भी इसमें जुड़ चुकी है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इस मनोरमा जी, रोशन जी, सोनाली जी, इसको याद रखेंगे आप, प्रशून जी, के आपके इस बैंक के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है, तो मार्केस ट्रायोस करके, कौन है, मार्कोस ट्रायोस हैं, वह इसके अध्यक्ष हैं, वह इसके प्रेसिडेंट हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे, यह भी पूछा जा सकता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना, 2015। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर क्या बांग्लादेश भी मेंबर हैं, यस। क्या इजिप्ट भी हैं, यस। क्या उरुग्वे भी हैं, यस। क्या यहां पे UAE हैं, यस। क्या भारत भी है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ब्रिक्स का है। यह भी पूछा जा सकता है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से, निम्नलिखित चार पांच बैंकों का नाम दे देगा, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एक और बैंक का नाम दे देगा ऐसे ही, और पूछेगा ब्रिक्स से रिलेटेड कौन सा है, तो लिखोगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। या फिर ये पूछ लेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक निम्न में से कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, तो लिखोगे ब्रिक्स से रिलेटेड है। हाँ जी, ठीक है ना। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल, बिल्कुल आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में याद रखोगे, हाँ जी, अगर याद रखोगे तो जल्दी से लिख के बता दो मेरे को, हाँ जी हम याद रखेंगे ब्रिक्स के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यह पांच देश हैं, पांच देश याद रखेंगे, बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका, और यहां पे आपके पास में नया कौन आया है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का यह फ्लैग है। तो छह मेंबर नहीं, पांच ही मेंबर है, याद रख लेंगे। पर बैंक के अंदर तो नए मेंबर जुड़ सकते हैं, बैंक में चार नए मेंबर जुड़े हैं, बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे, और अभी हाल ही में इजिप्ट। कौन जुड़ा है भाई मेरे, इजिप्ट जुड़ा है। और मार्कोस ट्रायोस यहां पे जो हैं बेसिकली इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के राष्ट्रपति बने, 2015 में जो बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर डन आज का। अब हम जीके के अंदर कुछ एमसीक्यू पढ़ा देते हैं आपको, जीके के कुछ एमसीक्यूज आप यहां पे पढ़ने की कोशिश कीजिए। सर नाम बता दो एक बार ब्रिक्स के अध्यक्ष का, ब्रिक्स के अध्यक्ष का नाम बता दे, ब्रिक्स का अध्यक्ष नहीं, ब्रिक्स के बैंक का जो अध्यक्ष है उसकी यहाँ पे बात करते हैं, है ना। ब्रिक्स के अंदर तो क्या है, यहाँ पे रोटेटिंग जो है चेयरमैनशिप घूमती रहती है ना। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एक बार आप इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मार्कोस ट्रायोस जो है वो इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, इसको लिख लो, ठीक है। ये तो रट ही गया है, चलो सर रट ही गया है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की तरफ चलते हैं, जीएस के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सर मौत की सजा पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे, यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस, यहां पे आपको नाम पता होना चाहिए, बोस, खुदी राम बोस। क्या नाम था, खुदी राम
बोस, ठीक है ना, खुदीराम बोस जो थे आपके पास में, ये अमर क्रांतिकारी, ठीक है ना, यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी है, इनको बेसिकली जो है आपको पता होना चाहिए। खुदीराम बोस यहाँ पे इंडियन रेवोल्यूशनरी है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे और ब्रिटिश टाइम में जो है इनका एक रोल देखा जाता है मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी केस के अंदर, है ना। यहाँ पे काफी लोग प्रफुल्ल चाकी के साथ में इनको जो है मृत्यु की सजा दी जाती है, मेकिंग वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टियर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, किस मुगल सम्राट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आपको यहां पे पता होना चाहिए, नाम है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। ये जहांगीर भाई साहब जो थे, इनको बेसिकली याद है ना वो थॉमस कुक एंड ऑल, तो ये लोग आए थे और इनको बेसिकली जो है यहाँ पे कोर्ट से बेसिकली रॉयल फरमान मिलता है कि भैया जाओ सूरत के अंदर तुम अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करो। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे सूरत में मुगल एम्परर जहांगीर के साथ एक ट्रीटी, एक संधि हस्ताक्षर करने के पश्चात सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बना ली थी, याद रखेंगे, है ना। चलिए, सो हु वाज द वाइसराय ऑफ द इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, हम सभी को पता है ना कि विदाउट पुलिस, विदाउट एनी इंक्वायरी किसी भी आदमी को जेल में डाल दो। एक तरीके से जो यहाँ पे विद्रोह हो रहा था, क्रांति हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, है ना। तो सर रॉयलेट एक्ट जो है वो बहुत ही इललेजिटिमेट पावर दे रहा था आपके पास में गवर्नमेंट को और पुलिस को। रॉयलेट एक्ट जब आया तब यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है, रॉयलेट एक्ट लगभग 1818-1819 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1819 हमने ये भी पढ़ा था आपके पास में, चेम्स फोर्ड रिफॉर्म आया था। अब इसी से याद रख लो, 1990 चेम्स फोर्ड रिफॉर्म था, तो यहाँ पे चेम्स और फोर्ड की बात करें तो चेम्स जो है कहीं कहीं क्या थे, वॉइस रॉय थे, और फोर्ड कौन थे, आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे। तो यहां से सीधा आंसर निकल गया, 1919 से कौन है, चेम्स फोर्ड हुआ करते थे। 1919 में कौन है सर, चेम्स फोर्ड यहां पे हुआ करते थे जब रॉलेट एक्ट आया था, है ना। रॉलेट एक्ट के टाइम यह भाई साहब वॉइसरॉय हुआ करते थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हैं ये वॉइसरॉय थे जब रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया कब था, 1919 के अंदर, है ना। इसका भारत में काफी ऑपोजिशन होता है पर फिर भी यह पारित किया जाता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा आया था, याद रखेंगे इसको। क्या हम लोग याद रख सकते हैं, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में आपने सब लोगों ने समझ ही रखा होगा, सुनी रखा होगा, है ना। आगे विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति, है ना, कहीं ना कहीं डोमिनियन अपना बनाने की कोशिश करना है, इनको सर्वोच्च बनना है। तो भारत में भी एक था समुद्रगुप्त, क्या नाम था सर, समुद्रगुप्त। तो भारत का भी एक राजा है समुद्रगुप्त, जिसको इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंडियन नेपोलियन ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है गुफरान जी। यस बिल्कुल गुफरान जी, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिशा जी अपना आंसर भी आप करेक्ट कर लेंगे। समुद्रगुप्त जो है वह गुप्त वंश का एक एंशियंट इंडिया का शासक रहा था, गुप्त एम्पायर चंद्रगुप्त वन का एक बेटा था, लच्छावी प्रिंसेस जो है कुमार देवी जो है, है ना, वो उनकी माता थी। और ही वॉज ग्रेटली एक्सपेंडेड द डायनेस्टी ऑफ द पॉलिटिकल पावर, तो अपने साम्राज्य को, अपनी पॉलिटिकल पावर को बहुत फैलाने का, इन्होंने विस्तार करने का काम किया, और अपनी इन्हीं विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, समुद्रगुप्त, क्या नाम है इनका, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है सर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के बारे में सुना होगा कई लोगों ने, कुचिपुड़ी किसका नृत्य है सर, यह किसका नृत्य रूप है सर। कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ व्हाट, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और कर्नाटका। देखिए सर यहां पे आंध्र प्रदेश जो है, कुचिपुड़ी जो है यहां का डांस फॉर्मेट है, कुचिपुड़ी जो है यहां पे आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्मेट है, यह याद रख सकते हैं अपन लोग। क्लासिकल स्टाइल के अंदर होता है आपके पास में, है ना, यहां पे सिंगिंग होती है साजिदा जी, इसके साथ में क्या होता है, सिंगिंग भी की जाती है। केरला नहीं है याद रख लेंगे। कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, ठीक है ना। इंडिजीनियस टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब ये जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का इंडिजीनियस है, यहां का स्वदेशी है, मतलब बाहर से नहीं है। पांच क्लासिकल स्टाइल ऑफ डांस है ना, उसमें से ये एक है पहला। दूसरा बताना चाहता हूं, इसमें सिंगिंग भी इन्वॉल्व है, मीन्स अलॉन्ग विद द डांस द पर्सन विल ऑल्सो सिंग। फिर है कुचिपुड़ी जो है 17वीं शताब्दी, मतलब 1600 के अंतर्गत यह क्रिएट किया गया था यहाँ पे सिद्धेंद्र योगी के द्वारा, एक तरह का डांस ड्रामा है। क्या है, डांस ड्रामा है, नाम लिखा है भामा कल्पम, है ना, द स्टोरी ऑफ द सत्य भामा चार्मिंग बट द जेलस वाइफ ऑफ द गॉड कृष्णा। भगवान कृष्ण की जो वाइफ है ना, भगवान कृष्ण की वाइफ है सत्य भामा, उसके ऊपर यहाँ पे एक ड्रामा लिखा गया, डांस ड्रामा लिखा गया, नाम लिखा गया भामा कल्पम। भामा कल्पम लिखो, कुचिपुड़ी के बारे में बता रहा हूं पूरा, एक ही चीज के अंदर, ठीक है ना, यह याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह भी याद रख सकते हैं, भगवान कृष्ण की वाइफ सत्य भामा के ऊपर जो सॉन्ग ड्रामा है उसके अंदर बेसिकली यह कुचिपुड़ी जो है ओरिजिनेट हुआ था, सन 1600 या फिर इसको 17वीं शताब्दी भी कह सकते हैं, ठीक है, ये याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का ही,
चलिए तो यह देख सकते हैं आप लोग, कृष्ण और सत्यभामा के बीच का यहां पे जो कन्वर्जेशन है वो कहीं ना कहीं बताया जाता है विद द डांस। देर आर द वेरियस ऑफ द क्लासिकल फॉर्म ऑफ द आर्ट्स दैट इज बीइंग इन्वॉल्व विद द सिंगिंग, यह याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण जो है ग्रेट इंडियन डियान, वन हार्ड और राइन की के लिए जाना जाता है? विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज नोन फॉर द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो? तो एक सिंह का जो राइनो होता है, राइनो पता है ना, जो बेसिकली राइनो क्या होता है आपके पास में, जिसको गेंडा टाइप भी कहते हैं अपन लोग, है ना, उसका एक सिंग भी होता है, एक सिंग वाला गेंडा जिसको कहते हैं। तो वन हॉर्न राइनो के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? देखिए, कॉर्बेट, दुधवा, काजीरंगा या गिर। गिर तो शेर के लिए जाना जाता है, काजीरंगा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो काजीरंगा है वो वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाएगा दोस्तों? वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाएगा, ठीक है, काजीरंगा, ये याद रखेंगे। यह सेंचुरी है, सेंचुरी मतलब समझते हो वन्य जीव अभ्यारण्य है। अच्छा, अभ्यारण का सेंचुरी का, सेंचुरी को कहते हैं ना सर, सेंचुरी का मतलब होता है पनाह देना, संरक्षण देना। तो यहाँ पे भी जितने भी ये गैंडे होते हैं इनको संरक्षण दी जाती है। काजीरंगा जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना। यहाँ पे दो तिहाई दुनिया के जो वन हॉर्न राइनोसोरस है ना, एक सिंह वाले जितने भी गैंडे हैं वो सारे के सारे ज्यादातर दो तिहाई, अगर पूरे विश्व में 100 गैंडे हैं तो यहाँ पे 66 गैंडे तो यही मिलेंगे, मतलब 2/3 ऑफ वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस है वो यही मिलने वाले। यहाँ पे हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, IBA जिसको कहा जाता है, इंपोर्टेंट बर्ड एरिया है ना, याद रख सकते हैं, असम में है, बिल्कुल सही का। भारत में पहले महान्यायवादी कौन थे? Who was the first Attorney General of India? Who was the first Attorney General of India? Who is the current Attorney General of India? पहले तो ये बता दो, फिर बताओ पहले कौन थे, है ना? So let us give it a time, और सभी लोग बताने वाले हैं। हाँ जी, yes everyone. Everyone who is going to attempt it, ladies and gentlemen, yes, देखिए बिल्कुल सही कहा, MC सेतलवाड़ के बारे में। MC सेतलवाड़ जो है यहाँ पे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल बनते हैं, ठीक है ना, यह याद रख सकते हैं आप लोग। अच्छा, अटॉर्नी जनरल जो है आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 76 क्लॉज 1, है ना, यहाँ पे यह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं ऑन एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, केंद्र सरकार की जो कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें इनको रखते हैं, जब राष्ट्रपति हटाएंगे तो भी हट भी जाएंगे, याद रखना। ही इज ऑल्सो द एडवाइजर, लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ, भारत के अंदर कहीं भी हो। अभी वर्तमान में कौन है आपके? वेणुगोपालन, है ना, तो यह याद रखेंगे, वेणुगोपालन, के वेणुगोपालन का नाम याद रख सकते हैं अपन लोग, शाबाश, ये वर्तमान में आर्टिकल 76 क्लॉज 1 याद होना चाहिए आपको, राइट, ठीक है ना। तो यह पॉइंट्स हमको क्लियर होते जा रहे हैं, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ जज ऑफ अलाहाबाद हाईकोर्ट? अलाहाबाद हाईकोर्ट है हमारा, हाँ जी, अलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसके पहले जज कौन थे आपके पास में? देखिए यहाँ पे जीएस पाठक, सैयद महमूद और आपके पास में है मुथुस्वामी लेयर, इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबोव। आपको यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि यह प्रश्न पास्ट ईयर का है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इस तरह के भी आते कि पहला जज कौन है हाईकोर्ट का। तो यह बेसिक सी चीज है, हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिस स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे यूपी, जैसे बिहार, जैसे राजस्थान, सर कम से कम उसकी हिस्ट्री तो पता रखो, उसकी हिस्ट्री तो पता रखो, उसके लैंडमार्क्स तो पता रखो। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, कि जो हमारे पास में अलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसको हाईकोर्ट ऑफ द जुडिकेशन एट अलाहाबाद है ना, इट इज अ हाईकोर्ट बेस्ड इन द प्रयागराज, है ना, यहाँ पे पता होना चाहिए। ओवर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इसका पूरा जुरिस्डिक्शन लगता है, 1886 में बनाया गया, तो ओल्डेस्ट हाईकोर्ट है ये, ओल्डेस्ट हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, अभी चीफ जस्टिस कौन है, अभी चीफ जस्टिस जो है कौन से नंबर पे हैं, है ना। और यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो आपका चीफ जस्टिस था वो कहीं न कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट में है, या फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सो द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की थी? हमने कहीं न कहीं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखा था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखा था, याद है ना, वो प्लेट्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अलग अलग जो है यहाँ पे पार्टिकल्स निकलते थे, है ना। तो रदरफोर्ड जो है सर, रदरफोर्ड को कहीं ना कहीं यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज का श्रेय जाता है। सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक न्यूक्लियस, नाभिक का जो न्यूक्लियस होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज इन्होंने की थी। 1909 के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है, इन्होंने रिपोर्ट किया कि सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड हैड असाइन टू हिम।
रदरफोर्ड कॉल्ड दिस न्यूज द मोस्ट इनक्रेडिबल इवेंट ऑफ हिज लाइफ, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए कि सर गलती के अंदर मजाक मजाक में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर इन्होंने फिजिक्स के अंदर आज तक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक जो है ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। इसीलिए कहना चाहिए नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप ऑन व्हाट यू आर डूइंग। और वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बेस्ट चीजें हैं ना वो सबसे सिंपलेस्ट लोगों के द्वारा डिस्कवर की गई हैं, सिंपलेस्ट लोगों के द्वारा प्रैक्टिस में लाई गई हैं, ठीक है ना। सो अगर आपकी क्यूरियोसिटी है उसको कंटिन्यू रखे चलिए, क्या पता कब आप भी दुनिया को राइट वे में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशंस ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल इज व्हाट, है ना। भौतिकी की वह शाखा जो अति सूक्ष्म कण की गति का अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी गति का अध्ययन करते हैं उनको। देखो कभी भी किसी की गति का अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे मैकेनिक्स, यांत्रिकी। किसी भी मूवमेंट को आप स्टडी कर रहे हैं और छोटे से हैं, मतलब क्वांटम, इसका मतलब हो गया आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो भी होते हैं, अणु, परमाणु, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी मूवमेंट, फोटॉन्स की मूवमेंट, उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो यह याद रख सकते हैं अपन लोग, राइट। सो द इट डील्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड द जनरल सिस्टम्स ऑफ द पार्टिकल। मैकेनिक्स है जहां पे आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे जो मोशन के अंदर हैं, वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स है और हम उसको नहीं देख सकते हैं। जैसे कि जनरली हम साइकिल को स्टडी करते हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे प्रकाश को स्टडी करेंगे, लाइट को स्टडी करेंगे, यह क्या हो गया आपके पास में रिलेटिव जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हो गई। अगर मैं यहाँ पे परमाणुओं को स्टडी करता हूँ ये हो गया क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। यहाँ पे इसी के अंदर में परमाणुओं का प्रकाश के साथ में, है ना, एटम्स का लाइट के साथ में स्टडी करूंगा तो क्वांटम फील्ड थ्योरी भी इसी के ऊपर आती है जो कि फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी है। किसी ने देखा है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, सुना है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यह क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में ही पढ़ा जाता है। अब आप कहोगे हम तो मियाँ जुडिशरी के बच्चे हैं, हमको काहे फंसा रहे हो इसके अंदर। भाई थोड़ा सा जान लो, साइंस से भी प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न है तुम्हारे, है ना। थोड़ा दिल पे पत्थर रख लो, याद कर लो, कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल अगर मूवमेंट में, अगर गति में मेरे को स्टडी करना है तो जे जे सर ने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स, दो तीन बार याद कर लो, पता है तुमको, पहली बार पता चल रहा है कुछ चीजें, पर सर दिमाग मत लगाओ इन फोटोज के बारे में, सीधा याद पे याद रख लो। भौतिकी की वह शाखा जिसमें बल की क्रिया के तहत गतिरोध, देखो कोई भी चीज, अब ये है ये माउस पड़ा है, अब मैं जब तक इसको फोर्स नहीं करूंगा क्या ये आगे बढ़ेगा, जब तक मैं इसको फोर्स नहीं करूंगा क्या आगे बढ़ेगा। कोई भी चीज मूव नहीं करती है जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। और एक्सटर्नल फोर्स की मूवमेंट को अगर हम पढ़ते हैं नॉर्मल, जैसे साइकिल मूव करती है मेरे चलाने पे, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, यांत्रिकी जिसको कहते हैं। परंतु जो एटम्स मूव करते हैं उसको स्टडी करूंगा छोटे लेवल पे, तो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। सिंपल सा है यार, इतना सा समझ लो, ठीक है सर। चलो बिल्कुल मोनिका जी, शाबाश, वेरी गुड। आगे बात करते, A brief thing, a very important thing to be discussed with you all is, today is the 3rd of January and today is the last day to avail the 22% discount on the Plus and the Iconic subscription, right? यहाँ पे 10% discount तो आपको बाद में भी मिलेगा, पर अगर आप 22% discount चाहते हैं, you can come up with this. तो Judiciary का linking batch जो हमारा ongoing batch है, 1 year long का, इसमें आप आ सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, Plus classes मिल सकती हैं, Iconic classes भी मिल सकती है, live classes मिलेगी structured और बहुत ही very well planned structured रहेगी। आप अगर 1-to-1 mentorship चाहते हैं, doubt solving session चाहते हैं और यहाँ पे live जो है आपके पास में mains focus test series वगैरह चाहते हैं, तो यहाँ पे आप Iconic में subscribe कर लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर ही जो है आप यहां पे जो कोड है आप वो क्या अवेल करने वाले हैं, द कोड इज गोइंग टू बी द लिंकिंग 10, द कोड इज लिंकिंग, यहां पे आप लिंकिंग 10 जो हमारा चैनल का कोड है, लिंकिंग 10 कोड को अवेल करेंगे और लिंकिंग 10 कोड को अवेल करके आज अगर आप करते हैं तो आपको 22% यहां पे ऑफ मिलने वाला है। कोई भी आप यहां पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ का कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर लो। प्लस में अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए मेंस के दृष्टिकोण से तो आइकॉनिक में आ जाओ। थोड़ी सी फीस जो है इसमें आपको ज्यादा रहने वाली 10-20%, बट मेंस के दृष्टिकोण से आइकॉनिक बेस्ट सूट रहेगा। और जनरली आप नहीं चाहते 1-to-1 मेंटरशिप, नहीं सर मेरे को सिर्फ लाइव प्लस क्लास चाहिए, तो आप प्लस का भी कोई बैच ले सकते हो, ईएमआई ऑप्शन भी है। कई बच्चों को यहां पे पेमेंट की दुविधा आती है तो उनके लिए यहां पे लोन की व्यवस्था भी है, उसके लिए भी वो हेल्पलाइन पे कॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो यह याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिंकिंग 10 कोड को यूज करना है आपको और जो रिजल्ट 2022 के अंतर्गत यहां पे 22% ऑफ मिल रहा है 1-3 जनवरी तक, वह यहां पे आप अटेंड कर पाएंगे, ठीक है।
तो इसके अलावा बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम लोग वापस कितने बजे मिल रहे हैं दोस्तों? हम लोग मिल रहे हैं 3 बजे और फिर मिल रहे हैं 5 बजे। तो कौन कौन आ रहा है 3 और 5 बजे वाली क्लास में, जल्दी से लिख के बता दो मेरे को एक बार, है ना। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे यह क्लास होने वाली है, आई मस्ट बी टेलिंग, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लो। वह ऐप डाउनलोड करके जगदीश चंद्र जांगिड प्रोफाइल यहाँ पे इंस्टॉल कर लो और यहाँ पे आप मेरी क्लास में जाकर के बेसिकली क्या कर पाएंगे, यहाँ पे एनरोल कर लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा, लिंकिंग 10 कोड को यूज करना है यहाँ पे, लिंकिंग 10 कोड को यूज करके आप इन क्लासेस को भी अवेल कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। तो जीके विद जेजे सर हमारा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी की सारी वहीं पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। प्रीवियस क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा आप एक बार, और अनअकैडमी लिंकिंग लॉ चैनल को हमारा फॉलो कर लीजिए। और इस चैनल पे जाकर के आप कैप्टन जीके अंडरस्कोर जेजे सर करके हैं, यहाँ पे आप टेक्स्ट कर पाएंगे कोई भी क्वेरी है, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड वह भी। ठीक है, वी विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू आउट। और इस वीडियो में कहीं भी लगता है कुछ गलत सलत पढ़ाया गया है सर, प्लीज रिपोर्ट कर लीजिएगा, हम उसको सुधारेंगे अगली क्लास से। एंड रिपोर्ट अगर आप कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया उसके थ्रू, और फर्स्ट टू रिपोर्ट विल ऑल्सो गेन अ प्राइज ऑन द सेम। ठीक है ना, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, इतना तो आपकी तरफ से बनता ही है ना। और लाइक और शेयर कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। जुडिशरी स्पेसिफिक हम यहाँ पे ये काम करने वाले हैं, स्पेसिफिकली आप सभी के लिए होने वाला है। और हाँ, एक और जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, बताना चाहता हूं आपको कि आपके पास में हम लोग 9th of January को 7 PM यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं आपके पास में, करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेगा मैराथन सेशन लेके आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। आप जुडिशरी के हो, क्लैट के स्टूडेंट हो, एमपी के स्टूडेंट हो, यहाँ पे अगर आप ये 3 क्लासेस अगर आपने यहाँ पे डिवोट कर दी हैं, तो मान के चलिए करंट अफेयर्स आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के बिना जुडिशरी की तैयारी तो कहीं ना कहीं अधूरी ही रहने वाले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर कहीं ना कहीं लॉ तो ही है, पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लॉ के फील्ड के साथ साथ में जीके की अवेयरनेस, करंट अफेयर की अवेयरनेस। तो इनको जरूर आपको अटेंड करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 3 बजे वाली लाइव क्लास में। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली।